हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न स्पॉटिंग रट्स के कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी बैंकिंग और सभी इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस करेंट ट्रेंड के क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि SBI PO 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन तैयारी के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगा कि आपको सही कंटेंट से पढ़ना होगा, सही कंटेंट आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और सही कंटेंट को सही अप्रोच के साथ आपको पढ़ना होगा। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हैं बैंकिंग एग्जाम्स को निकालने के लिए। तो इसमें मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए सही अप्रोच क्या होती है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस वेबसाइट के बारे में। यहाँ पर आप मेरे फ्री ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप हमारे ऑफिशियल ई कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये कि ये न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, और इस वीडियो क्लास को पूरा आप एंड तक देखिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो एक सेंटेंस इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस इसमें दिया है, इसको पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये जो पार्ट है, ये पांचवा जो पार्ट है, ये ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑलरेडी करेक्ट पार्ट के अलावा कितने पार्ट बचे? चार पार्ट बचे। उन चार पार्ट में से केवल एक पार्ट ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट है, यानी तीन पार्ट ऑलरेडी इनकरेक्ट हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस करेक्ट पार्ट को देखना है, वो करेक्ट पार्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ से आप उस करेक्ट पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि सारे करेक्ट हैं तो ऑल आर करेक्ट आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस एक्चुअली फंडामेंटली क्वेश्चन सेम रहता है, लेकिन एग्जामिनर उसको ट्विस्ट करके देता है, उसको अलग तरीके से बना के उस क्वेश्चन को देता है। तो ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन या न्यू पैटर्न क्वेश्चन। तो यहां से इसको पढ़ते हैं। इट इज रादर वरीसम दैट लिटरेचर इन इंडिया हैज बिकम फॉर्मूलेक। फॉर्मूलेक एक्चुअली फॉर्मूला से बना हुआ एक एडजेक्टिव है। इट हैज़ बिकम वॉट, इट हैज़ बिकम दिस। तो बिकम के बाद यहाँ पर आप एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं, और फॉर्मूलेक एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसमें, ये जो सेंटेंस है ये सही है यहाँ पर। जैसे वरीसम, वरीसम मतलब एक चिंताजनक ये हो चुका है। रादर हम लगाते हैं, जैसे रादर हम लगाते हैं निगेटिव एडजेक्टिव के साथ, ये थोड़ा चिंताजनक हो चुका है। फेयरली हम लगाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, रादर हम लगाते हैं निगेटिव एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्वाइट होता है, जैसे आपने सुना होगा क्वाइट राइट या क्वाइट ट्रू, तो उसी सेंस में ये यूज होता है। लेकिन रादर को हम नॉर्मली निगेटिव एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं, या कभी आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए लगाते हैं हम रादर, ठीक है। तो रादर का प्रयोग तो यहाँ पर सही है, और यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये भी सही है, तो ये पार्ट इसमें करेक्ट है। लेकिन आगे हम देखते हैं, ऑथर्स आर कैशिंग इन ट्रेंड्स लाइक कैंपस नॉवेल्स। इसमें हम जो इंडियन लिटरेचर की जो प्रॉब्लम है या जो कंडीशन है उसके बारे में इसमें बता रहे हैं। इट इज रादर वरीसम दैट लिटरेचर इन इंडिया हैज़ बिकम फॉर्मूलेक। मतलब इंडिया के अंदर जो लिटरेचर है वो फॉर्मूलेक हो गया है, वो मैकेनिकल हो गया है, ऐसा मान सकते हैं। ऑथर्स आर कैशिंग इन, मतलब ऑथर्स कैश कर रहे हैं, किस चीज़ को कैश कर रहे हैं? कैशिंग इन ऑन एक्चुअली सही यूसेज होता है, कैशिंग इन ऑन, वो कैश कर रहे हैं उसको, वो उस चीज़ को भुना रहे हैं, उस चीज़ को इन कैश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे ऑथर्स आर कैशिंग इन ऑन, ठीक है, ऑन ट्रेंड्स लाइक कैंपस नॉवेल्स। तो ये वाला पार्ट भी गलत हो गया आपका, क्योंकि कैशिंग इन ऑन आएगा इसमें। माइथोलॉजी सेल्फ हेल्प एंड माइथोलॉजी सेल्फ हेल्प एंड, अब देखिए एंड के साथ ये विद लगाना गलत है, क्योंकि एंड के थ्रू हम कंजक्शन होता है, एंड एंड के थ्रू हम जोड़ते हैं दो चीज़ों को। तो इसको और इसको, इस पार्ट को हम जोड़ रहे हैं एंड से, यानी विद का कोई काम नहीं है यहाँ पर। एंड नो वन इज पुशिंग द एनवलप, इट टेक्स द फोकस अवे। फोकस अवे जब हम बोलते हैं तो उसमें हम पॉइंट बताते हैं, फोकस अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे टेक्स द फोकस अवे फ्रॉम राइटिंग गुड्स बुक्स टू सेलिंग बैड बुक्स, यानी
ऑथर्स का इस समय जो फोकस है वो अच्छी किताबें लिखने पर नहीं है, बेकार किताबों को बेचने पर है। ये इसमें इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इंडियन लिटरेचर की जो कंडीशन है उसको। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स रादर वरीसम दैट लिटरेचर इन इंडिया हैज़ बिकम फॉर्मूलेक। ये सही है, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट होगा। इसमें गलती क्या है, ऑथर्स आर कैशिंग इन ऑन, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। माइथोलॉजी सेल्फ हेल्प, इसमें विद एक्स्ट्रा है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। इट टेक्स द फोकस अवे फ्रॉम राइटिंग गुड बुक्स टू, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। ऑल आर करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों सेंटेंस गलत हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि ये करेक्ट है, बाकी तीन इनकरेक्ट हैं और चौथा जो है, पांचवा जो है वो ऑलरेडी करेक्ट है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। यदि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, रीडिंग आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि रीडिंग आपको करना है, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग के थ्रू आपको पता पड़ता है कि नेचुरली वर्ड कॉम्बिनेशन, नेचुरली वर्ड का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या है, वर्ड किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे वर्ड आपको पता पड़ता है, पढ़ते हैं, और ग्रामर जो है उसके उसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट है। देखिए एग्जामिनर ग्रामर का, ग्रामर तो पूछता है लेकिन ग्रामर का थ्योरेटिकल पार्ट वो नहीं पूछता है, वो अप्लाई किस तरीके से होती है, ग्रामर के अप्लाइड एस्पेक्ट क्या हैं वो आपके चेक किए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं रीडिंग के थ्रू, वर्ड्स की नॉलेज हुई, वर्ड कॉम्बिनेशंस की नॉलेज हुई, अप्लाइड एस्पेक्ट ग्रामर के जो हैं, ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं रीडिंग के थ्रू। रेगुलर रीडिंग करिए, उसको कॉम्प्रिहेंड करिए और उसको एनालाइज करिए, बहुत ज़रूरी है पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप यदि समराइज़ कर लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड मीनिंग सभी को आते हों, लेकिन यदि आप समराइज़ कर लेते हैं तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आर रेट्रोग्रेसिव थिंकिंग, रेट्रोग्रेसिव थिंकिंग मतलब पीछे देखने वाली, पीछे मुड़ने वाली थिंकिंग, आर रेट्रोग्रेसिव थिंकिंग इज़ डिस्ट्रॉइंग अस, ये तो सही है। वी कीप, यहाँ तक ये सही लग रहा है, वी कीप आर सेल्फ इंटेंगल्ड इन फ्यूटाइल डिस्कशन, हम अपने आप को, इंटेंगल का मतलब होता है किसी का किसी चीज़ में उलझ जाना या फंस जाना, तो हम अपने आप को फंसा के रखते हैं किस चीज़ में, वी कीप आर सेल्फ इंटेंगल्ड इन फ्यूटाइल डिस्कशंस, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस या अनप्रोडक्टिव, तो हम अपने आप को फंसा के रखते हैं, हम अपने आप को बिजी रखते हैं किस चीज़ में, फ्यूटाइल डिस्कशन अबाउट गॉड एंड हेवन, ये सही है, एंड रिमेन बिजी, रिमेन में एस नहीं आएगा, रिमेन में क्योंकि ये वी के साथ जुड़ा हुआ है, रिमेन बिजी इन टॉकिंग अबाउट सोल एंड गॉड, हम इन चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, गॉड क्या है, हेवन क्या है, सोल क्या है, हम डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, तो ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। विच इज़ नॉट जस्ट इनफ इन टाइम्स वी लिव इन टूडे, तो इस सेंटेंस में कहीं पर कोई गलती नहीं लग रही है, ये सेंटेंस सही है। आर रिट्रोग्रेसिव थिंकिंग इज डिस्ट्रॉइंग अस, वी कीप आर सेल्फ इंटेंगल इन फ्यूचर डिस्कशन अबाउट एंड रिमेन बिजी इन टॉकिंग अबाउट सोल एंड गॉड विच इज़ नॉट जस्ट इनफ इन टाइम्स वी आर लिविंग इन, सही है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, क्योंकि इसमें कहीं पर भी इस पूरे सेंटेंस में गलती नहीं दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया वी हैव फैड, फैड एक्चुअली फीड की थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ फैड सही है, इन इंडिया एक फ्रेज है यहाँ पर, तो वी हैव फैड सही है, वी हैव फैड वॉट, वी हैव फैड द स्टोरी, विच प्राइवेट सेक्टर आर, वी हैव फैड द स्टोरी, विच क्यों आ रहा है यहाँ पर, वी हैव फैड द स्टोरी दैट प्रोवाइड दैट प्राइवेट सेक्टर्स आर, यहाँ पर एक कनेक्टर चाहिए आपको, यहाँ पर एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, प्राइवेट सेक्टर्स आर इनफॉलेबल, यहाँ पर एक एक कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर यहाँ पर आप लगा सकते हैं दैट, क्योंकि विच तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर जो है ये स्टोरी के स्थान पर नहीं आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर स्टोरी का रिप्लेसमेंट थोड़ी है, तो इसलिए विच गलत है यहाँ पर, यहाँ पर आपको इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। इन इंडिया वी हैव फेड द स्टोरी दैट प्राइवेट सेक्टर्स आर इनफॉलेबल, इन इंडिया वी हैव फेड द स्टोरी, हाँ ये इसमें गलत हो गया, विच गलत हो गया, तो फर्स्ट पार्ट इसमें गलत हो गया, प्राइवेट सेक्टर इसमें एज होगा तो सेकेंड पार्ट भी गलत हो गया, एंड हैज़ द आंसर टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वाइल इट इज़ द पब्लिक सेक्टर दैट इज़ द एल्बेट्रॉस अराउंड, इंडिया से पहले द नहीं आएगा इसमें,
एल्बेट्रॉस क्या होता है? एल्बेट्रॉस एक्चुअली एक बर्ड होती है, काफ़ी काफ़ी बड़ी बर्ड होती है, लेकिन मेटाफोरिकली या फिगरेटिवली इसका मीनिंग होता है एक बर्डनसम कोई भी चीज़ जो आपके लिए बर्डन है, उसको हम बोलते हैं एल्बेट्रॉस। दैट इज द एल्बेट्रॉस अराउंड इंडियाज नेक। तो इसमें आपका ये पार्ट गलत हो गया, इसमें बीच के स्थान पर दैट आएगा। ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक एक ये इनकरेक्ट हो गया। टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वाइल इट इज द पब्लिक, ये सही लग रहा है इसमें। दैट इज द एल्बेट्रॉस अराउंड, इसमें इंडिया से पहले द आ गया, ये गलत है। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स होना चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर, ये सेक्टर तो एक ही है, यहाँ पर एज होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें थर्ड आपका आंसर है, थर्ड इसमें सही है। ठीक है, ये रियल क्वेश्चंस हैं बैंकिंग के, ये रियल क्वेश्चंस हैं, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे SBI PO में, प्री में और मेंस में। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस फ्रेश टारगेट बैच के बारे में जो मैंने क्रिएट किया है, SBI PO 2019 और SBI क्लर्क 2019 के बारे में। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से इसकी पूरी आप जानकारी ले सकते हैं। और ये है इसकी फीस, SBI PO 2019, और SBI क्लर्क का आप सेपरेट बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और इन दोनों का करना चाहते हैं तो इसकी फीस होगी 2950 रुपये। सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इन ई कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर ये कोर्सेज आपके चलेंगे। ठीक है, एग्जामिनी डॉट, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको जो लिंक दूंगा वो इंस्टा मोजो पेज का दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट सेलिंग फिनोमिनॉन करप्ट राइटिंग। बेस्ट सेलिंग क्या, फिनोमिनॉन क्या है, सब्जेक्ट है, बेस्ट सेलिंग क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब चूंकि ये फिनोमिनॉन बेस्ट सेलिंग, फिनोमिनॉन कैसा है, बेस्ट सेलिंग है, तो ये एक पर्टिकुलर नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर द। अब ये है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। ठीक है, बेस्ट सेलिंग फिनोमिनॉन करप्ट राइटिंग, बेस्ट सेलिंग फिनोमिनॉन, यहाँ पर एक्चुअली बेस्ट सेलिंग फिनोमिनॉन सिंगुलर है, तो यहाँ पर होना चाहिए करप्ट राइटिंग, इट करप्ट राइटिंग। बेस्ट सेलिंग फिनोमिनॉन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे। इस तरीके से समझना है आपको क्वेश्चन को, लेकिन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में नहीं भी आता है तो आपको एनालाइज करने की एक आदत होनी चाहिए। बेस्ट सेलिंग फिनोमिनॉन करप्ट राइटिंग, बेस्ट सेलिंग फिनोमिनॉन राइटिंग को करप्ट करती है, तो ये गलत हो गया पार्ट, यहाँ पर करप्ट होना चाहिए। इट फोकसेस, ये सही है, यहाँ पर फिनोमिनॉन नाउन है और नाउन को हमने रिप्लेस किया है यहाँ प्रोनाउन से, और ये सिंगुलर है तो इसलिए फोकसेस यहाँ पर आ रहा है, ये सही है। इट फोकसेस ऑन, ऑन एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हम लगाते हैं वर्ब की ing फॉर्म, तो गेमिंग होना चाहिए, यहाँ पर ये हो गया आपका गलत। इट फोकसेस ऑन गेमिंग द सिस्टम, इंडियन टुडे आर रीडिंग द बेस्ट सेलिंग बुक्स, ये सही लग रहा है, नॉट द बेस्ट बुक्स, एंड वी कुड नहीं होगा, वी कैन ओनली विश होगा, कुड नहीं आएगा, कुड तो पास्ट में आता है, यानी इसमें ये वाला पार्ट सही है, इंडियन टुडे, इंडियन टुडे आर रीडिंग द बेस्ट सेलिंग बुक्स, ये वाला पार्ट सही है, थर्ड आंसर होगा। बाकी पार्ट में क्या गलती है एक बार और देख लेते हैं, द बेस्ट सेलिंग फिनोमिनॉन करप्ट राइटिंग, करप्ट होना चाहिए, ये गलत हो गया। इट फोकसेस ऑन गेमिंग द सिस्टम, गेमिंग द सिस्टम मतलब चीटिंग द सिस्टम। ठीक है, नॉट द बेस्ट बुक्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा कुट की जगह कैन, ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सारे इनकरेक्ट हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो यदि आप लॉजिकली क्वेश्चंस को करते हैं तो काफ़ी श्योर हो सकते हैं अब आप अपनी एक्यूरेसी के बारे में, तो लॉजिकली क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द आर्ट ऑफ पुटिंग अक्रॉस वंस पॉइंट ऑफ व्यू। पुटिंग अक्रॉस का मतलब है अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाना या कम्युनिकेट करना। द आर्ट ऑफ पुटिंग अक्रॉस वंस पॉइंट ऑफ व्यू इन ए वे, इन ए वे दैट मेक्स, मेक सही है यहाँ पर क्योंकि वे के लिए आया है, दैट मेक्स द लिसनर और रीडर पॉज। मेक जो वर्ब है इसके बाद हम यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, मेक, लेट और हेल्प के बाद हम टू नहीं लगाते। ठीक है, जैसे मेक हिम गो या लेट हिम गो, इस तरीके से मेक और गेट, सॉरी, मेक और लेट के बाद हम टू नहीं लगाते, हेल्प के बाद टू ऑप्शनल होता है, तो मेक के बाद या टू नहीं लगाए तो ये सही है। मेक्स द लिसनर पॉज एंड थिंक, रादर देन, रादर देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिना टू के,
तो ये सही है, स्ट्रॉन्गली इज नॉट इजी, इट इट इन्वॉल्व्स, ये सही है सेंटेंस। तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, ऑल आर करेक्ट। अब देखिए मैंने कैसे एनालाइज किया, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मेक के बाद यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आएगा, रादर देन के बाद यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आएगा, ये रूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं ग्रामर का, ठीक है। ये ऑफ आया है तो ऑफ के बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, तो ये सेंटेंस सही है। और ऑल आर करेक्ट का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट में दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। ऑफन द टर्म एक्सपेरिमेंटल गेट्स होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जो टर्म है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर होना चाहिए गेट्स। थ्रोन अराउंड अलॉट बाय स्कूल्स दैट फोकस, फोकस सही है क्योंकि स्कूल्स के साथ जुड़ा हुआ है ये, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर, ये सही है। ओवर्टली, ओवर्टली मतलब खुलेआम, ऑन, ऑन के बाद बीइंग आएगा यहाँ पर, आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑन बीइंग सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, ऑफ होना चाहिए यहाँ पर। इसमें देखते हैं क्या गलती है। ऑफन द टर्म एक्सपेरिमेंटल गेट्स, ये होना चाहिए गेट्स, गलत हो गया। थ्रोन अराउंड अ लॉट बाय स्कूल, ये सही है। दैट फोकसेस ओवरटली ऑन बीइंग सो, ये गलत हो गया। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा इसमें सेकंड, ये सही है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेवन। आर कंट्री डजेंट लैक इन साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी। देखिए लैक क्या होता है, लैक का मतलब होता है कमी होना, तो आर कंट्री इसमें सब्जेक्ट है, डजेंट लैक इसमें वर्ब है। अब लैक के बाद आप पूछेंगे कि लैक वॉट, किस चीज में कमी है। आवर कंट्री डजेंट लैक, हमारी कंट्री किस चीज में कम है, साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी यहां पर इन का कोई काम नहीं है, इन यहां पर गलत है, लैकिंग के बाद इन आ जाएगा लेकिन, ठीक है। लैकिंग इन, ही इज लैकिंग इन इंटेलिजेंस, ऐसे, ही इज लैकिंग इन क्रिएटिविटी, लेकिन लैक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। आर कंट्री डजेंट लैक साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। एंड ऑल्सो इज इट है यहाँ पर, ये गलत हो गया, इट इज होगा ये, ठीक है, ये गलत हो गया। ऑल्सो इट इज रॉन्ग टू अज्यूम, ये गलत है अज्यूम करना, दैट आर्स कंट्री नहीं होगा ये, ये होगा, ये आर्स और माइंड सेंटेंस के एंड में आते हैं, दिस इज माइंड, दिस इज योर्स, दिस इज आर्स, ठीक है। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए आपको, पजेसिव प्रोनाउन नहीं, तो आर्स गलत हो गया। प्रोवाइड इनफ, इसमें ये फोर्थ वाला शायद सही है। आर कंट्री डजेंट लैक, ये गलत हो गया, डजेंट लैक। एंड ऑल्सो इज इट नहीं होगा, इट इज होगा, आर्स नहीं होगा, ऑल आर करेक्ट, ये गलत हो गया। प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च परपजेज, ये सही है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर होगा आपका फोर। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। द ब्रिटिश स्ट्रेटजी ऑफ इंटेलेक्चुअल कंट्रोल वॉज इंप्लीमेंटेड बाय, यहाँ तक तो ये सही लग रहा है, क्राफ्टिंग ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रादर, रादर के बाद यहाँ पर देन आना चाहिए, रादर देन, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। ऑल्दो द बेस्ट ऑफ आर थिंकर नहीं होगा, बेस्ट ऑफ आर थिंकर्स मतलब हमारे सबसे बेस्ट जो थिंकर्स थे, बेस्ट ऑफ आर, जब हम ये ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर कि काफ़ी सारे थिंकर्स में से हम बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ आर थिंकर्स होगा यहाँ पर। आउट मैन्यूवर्ड का मतलब है कि उस चीज़ को उन्होंने आउट फॉक्स कर दिया, उस चीज़ को उन्होंने सही नहीं होने दिया, इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। आउट मैन्यूवर्ड दिस सिस्टम इट हैज़ क्रिएटेड, देखिए यहाँ पर हम ब्रिटिश स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश स्ट्रेटजी जो है वो पास्ट में इम्प्लीमेंट हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर हम हैज नहीं बोल सकते। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ऑल आर करेक्ट। क्राफ्टिंग ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन रादर देन ब्रूट कोअर्सन, ये गलत हो गया। ऑल्दो द बेस्ट ऑफ आर थिंकर्स होना चाहिए, ये गलत हो गया। इट क्रिएटेड एक्यूट एंग्जाइटी, इट क्रिएटेड, इट हैज क्रिएटेड नहीं, क्योंकि ब्रिटिश स्ट्रेटजी अब तो एप्लीकेबल नहीं है, वो तो खत्म हो गई, वो तो पास्ट टाइम में अप्लाई हुई थी, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि इट हैज क्रिएटेड एक्यूट एंग्जाइटी अमंग सेल्फ रिफ्लेक्सिव थिंकर्स।
सेल्फ रिफ्लेक्सिव थिंकर्स, मतलब जो जो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो अपने अपनी जिंदगी से संबंधित उनकी जो घटनाएं हैं उनको वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, लिटरेचर में ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा 5, ये वाला सेंटेंस सही है, द ब्रिटिश स्ट्रेटजी ऑफ इंटेलेक्चुअल कंट्रोल वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय, ये सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आफ्टर मिशन शक्ति इंडियाज एंटी सैटेलाइट टेस्ट देयर इज ए फीलिंग, यहां पर एक देखिए हम एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस बता रहे हैं किसी चीज का, कि देयर इज ए गुड स्कोप, देयर इज ए फीलिंग। जब किसी चीज को हम किसी चीज का एग्जिस्टेंस बताते हैं तो हम बताते हैं TH ER E से, तो ये गलत हो गया आपका, फीलिंग दैट इंडिया नीड्स होना चाहिए, यहाँ पर इंडिया सिंगुलर है, ये गलत हो गया, डिटरेंस फॉर इट्स सिक्योरिटी टू बी विजिबली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू, ये सही लग रहा है। और आगे देखते हैं, डिटर एनी एनिमी, डिटर के बाद हम फॉर नहीं लगाते, फ्रॉम लगाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, आफ्टर मिशन शक्ति इंडियाज एंटी सैटेलाइट टेस्ट देयर इज ए, THER E होगा, फीलिंग दैट इंडिया नीड्स, एस लगेगा इसमें, डिटरेंस फॉर इट्स सिक्योरिटी टू बी विजिबली स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू, ये सही है, डिटर एनी एनिमी फ्रॉम अटैकिंग, यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पर, और ये होगा नहीं इसमें, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, थोड़ा सा फोकस आपको रखना पड़ेगा इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको एक एक पार्ट को, और फिर आप सही कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और इलिंट फ्रॉम द 436 kg स्पेसक्राफ्ट विल ऐड टीथ टू सिचुएशनल अवेयरनेस, ये स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है कि इसका एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है स्पेसक्राफ्ट का, और ये टीथ ऐड करेगा सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ऑफ द आर्म फोर्सेस एज इट विल प्रोवाइड लोकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ हॉस्टाइल राडार्स, जो दुश्मनों के जो राडार्स हैं उनको ही पोजिशन को ये उनकी लोकेशन का ये पता लगा लेगा, कोई एक स्पेसक्राफ्ट की इसमें बात हो रही है, हॉस्टाइल राडार्स प्लेस्ड एट द बॉर्डर्स, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और एलिंट फ्रॉम द 4036, ये सही है, विल ऐड सही है, द आर्म फोर्सेज एज इट विल प्रोवाइड सही है, लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ हॉस्टाइल राडार सही है, इसमें आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। तो इस तरीके से ये है नए पैटर्न के क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और सही अप्रोच के साथ पढ़ना है आपको, आपको रीडिंग रेगुलर बेसिस पर करनी है, रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड करते हुए पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, वर्ड्स किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं वो आपको देखना है, वर्ड कॉम्बिनेशंस को आपको स्टडी करना है, अप्लाइड ग्रामर को आपको देखना है, तो ये सारी चीज़ें रीडिंग से आपको आ सकती हैं, इसलिए रीडिंग इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रेगुलर बेसिस पर आपको पढ़ना है, और उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी, ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम बैंक की इंग्लिश सेक्शन की आपकी सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर और इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।